उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहने वाली दो सगी बहनों ने दुनिया छोड़ दिया है। यहाँ दुनिया छोड़ने की बात आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मैं वो शब्द नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। घटना आगरा के जगनीर की बताई जा रही है। दुनिया को अलविदा करने से पहले इन दोनों ने 3 पेज का एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने इसके लिए संस्था के 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। नोट में दोनों बहनों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपियों को सख्त सजा, उनका जो उन्होंने जिक्र किया है वो आसाराम की तरह उम्र कैद की सजा दिलाने के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने इसमें लिखा है कि योगी जी इन आरोपियों को आसाराम बापू की तरह उम्र कैद की सजा दिलाएं। इन मरने वाली बहनों ने अपनी जिक्र किया है अपने नोट में कि आरोपियों पर पैसे हड़पने के साथ साथ अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। एसीपी खैरागढ़ के मुताबिक 4 आरोपी आगरा से बाहर के बताए गए हैं, जिनमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 8 साल पहले ब्रह्म कुमारी की दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद उनके परिवार ने जगनेर में ब्रह्म कुमारी केंद्र बनवा दिया था, जिसमें दोनों तब से रह रही थी। मृतक बहनों में से एक 32 साल की, जिसमें 1 पेज का नोट लिखा, जबकि दूसरी 38 साल की है, उसने 2 पेज का नोट लिखा। इनमें दोनों बहनों के पिछले 1 साल से परेशान होने का जिक्र है। नोट में उन्होंने मौत का जिम्मेदार आश्रम के नीरज सिंघल, धौलपुर के ताराचंद, नीरज के पिता और ग्वालियर के आश्रम में रहने वाली एक महिला को ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि नीरज ने केंद्र में रहने का आश्वासन उनको दिया था, लेकिन केंद्र बनाने के बाद उसने बात ही करना बंद कर दिया। 1 साल तक ये दोनों रोती रहीं, उसके बाद उनकी कोई नहीं सुनने वाला था। उनका साथ उसके पिता के अलावा ग्वालियर आश्रम में रहने वाली एक महिला और ताराचंद नाम के शख्स ने भी दिया। 15 साल तक साथ रहने के बाद भी वह ग्वालियर की महिला के साथ संबंध बनाता रहा, यानी ये मामला कहीं ना कहीं अवैध संबंध का भी है। चारों ने इनके साथ गद्दारी की है, इन लोगों ने आरोप लगाया। दुनिया छोड़कर दोनों बहनों ने अपने पत्र में लिखा कि हमारे पिता ने प्लॉट के लिए 7 लाख रुपए आश्रम से जुड़े व्यक्तियों को दिए, 18 लाख रुपए गरीब माताओं से लिए गए थे, जिन्हें आरोपियों ने हड़प लिया, यानी लगभग एक तरीके से जोड़ लें तो 25 से 26 लाख रुपए की रकम हो जाती है। वे लोग पैसे हड़पने के साथ साथ महिलाओं के साथ अनैतिक काम भी किया करते हैं और दबंगई दिखाते हुए कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों बहनों ने आरोप लगाया है कि इन सभी आरोपियों ने बहुतों के साथ गलत काम किया है, किसी से पैसे लिए और उसी पर केस कर दिया। इन सब ने यह भी लिखा था कि उनके लेटर को बहन और भाई के पास पहुंचा दिया जाए, और उसी लेटर में इन्होंने अपने भाई और बहन से अपील की है कि कृपया आप लोग इस केस को अच्छे से लड़ें और जीतकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। फिलहाल देखना ये होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, और क्या जो उन दोनों बहनों की ख्वाहिश रही है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, अगर ये गलत हैं तो फिर इनको कब सजा मिलती है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।